एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कहती है, मूली क्या लॉर्ड लियू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है? उनकी पोटेंशियल लिमिटेड है क्या? वू जी कहता, नहीं उनकी पोटेंशियल लिमिटेड नहीं है, लेकिन जैसे उनकी करंट स्टेट है वो आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में। इसका मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे इतनी आसानी से। वो बंदा कहता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लॉर्ड लियू को क्रिटिसाइज़ किया? वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत आ गई कि उसने लॉर्ड को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की? वो बंदा कहता है, मैंने इन दोनों की बातें सुनी, ये दोनों छुप छुप बात कर रहे थे कि आपकी पोटेंशियल ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी और अब आगे वाली ज़िंदगी में भी कोई उम्मीद नहीं है कि आप आगे लेवल तक भी पहुँच पाएंगे। अंकल कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए, ज़रूर कोई गलती हो गई है, अगर इन दोनों की बातों का किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। वो बंदा कहता है, कब से इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर्स को यहाँ बैठने की इजाज़त मिल गई है? क्या तुम्हारा सू फैमिली भी हमारे मार्शल आर्ट कस्टम में इंटरेस्ट दिखा रहा है? वो लड़की कहती है कि तुम इतना बुरा भला कैसे बोल सकते हो, हमने ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि अब उनके पास पोटेंशियल नहीं है। वो बंदा उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, अब जबकि मैंने तुम दोनों को एक्सपोज कर ही दिया है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अपनी गलती नहीं मान रहे हो। वो जी उससे कहता है, मैंने ये नहीं कहा था कि लॉर्ड की पोटेंशियल ख़त्म हो चुकी है, मेरा उन्हें दुख पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं था, इसलिए तुमने जो भी ये बकवास यहाँ पर की है अपने शब्दों को वापस लो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मैं अपने शब्द वापस लूँ? यहाँ तक कि सू फैमिली के हेड भी मुझे कुछ नहीं कह पा रहे हैं और तुम एक छोटे से सर्वेंट होके। वो वूजी पे अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं वूजी बड़े ही स्टाइल से उसे एक ज़ोरदार लात मारता है। वो बंदा उस हमले को रोक लेता है, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है इसी हमले को रोकने में। वो लड़की कहती, उसे अच्छे सबक सिखाना, मार कर मुँह ही तोड़ दो उसका। ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, ये इससे इक्वली मैच कर रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद वो सोच रहे होते हैं, नहीं शायद मैं गलत हूँ, वो हमला कमज़ोर नहीं था, उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उसने पहले ही उसे इंटरनल डैमेज पहुँचा दिया है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। हम देखते हैं कि वो बंदा गुस्से में वूजी पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक वूजुआन कैंडिडेट की पावर। वो वूजी पे हमला करता है, वूजी उसके हमले से बचकर उसे एक ज़ोरदार मारता है। वो बहुत तेज़ी के साथ जाकर सीधे दीवार पर टकरा जाता है। सभी लोग के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि ये जो लड़का था वो वूजुआन की लिस्ट में नंबर 7 पे आता था। और इधर ये लड़की कह रही होती है, हाँ देखा, अब बताओ कौन है असली जीनियस? वो बंदा कहता है कि कौन हो तुम, भले ही तुम एक ताकतवर कल्टीवेटर क्यों ना हो लेकिन तुम यहाँ पर मारे जाओगे। लॉर्ड उठते हैं और कहते हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ जिसके पास इतनी कम उम्र में ही इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है? वूजी उन्हें अपना नाम बताता है। ये नाम सुनकर वो बंदा कहता है, वूजी क्या वो तुम ही हो जिसने फेंग को मारा था? वूजी कहता है, हाँ मैंने ही उसे मारा। और फिर हमें बताया जाता है ये जो फेंग था ये एक बार किलर्स का भी किलर्स कहा जाता था, यानी सबसे ऊपर वाला किलर। और रूमर्स ये फैले हुए थे कि किसी ने उसे मार दिया है और उसका नाम वूजी है, लेकिन आज ये बात सबके सामने सच भी साबित हो गई। उन्हें लगा था कि वूजी कोई बूढ़ा सा आदमी होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये इतना जवान लड़का होगा। वो बंदा कहता है, भले ही तुम कितने ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो लेकिन तुमने इनकी बेइज्जती की है और तुम इनकी बेइज्जती करके यहाँ से ऐसे ज़िंदा नहीं जा सकते हो। वूजी कहता है, क्या तुम अपने कानों का इस्तेमाल करना जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो जाकर उन्हें डोनेट कर दो। मैं यहाँ पर किसी को भी अपशब्द या ये सब कहने के लिए नहीं आया था, मैंने बस ये कहा था कि उनकी पोटेंशियल लिमिटेड है और हाँ ये बात सच है, वो आगे चल के भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम होते कौन हो उनकी स्ट्रेंथ को मेज़र करने वाले? वो लॉर्ड उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और वो वूजी से कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस कंक्लूज़न पर कैसे पहुँचे। वूजी उन्हें बताता है, आप मार्शल आर्ट्स के पीक पर बहुत सालों से फंसे हुए हैं, यानी वो एक ही लेवल पर बहुत सालों से हैं और वो दूसरे लेवल पर नहीं गए अभी मार्शल आर्ट्स के, और ऐसा देखने से उन्हें लगता है कि वो नेचुरल तरीके से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं ऊपर, वो किसी चीज़ के ऊपर निर्भर थे लेवल अप होने के लिए। और ऐसे करते करते फाइनली वो वूजुआन रियलम में इंटर कर गए। वो सोच रहे थे, आखिर इसे इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चल गया? ये किसी चीज़ की मदद से अपने आप को फोर्स करके इस रियलम के अंदर पहुँचे हैं और इसकी वजह से इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है और इनके जो बोन्स के रूट हैं ये भी डैमेज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा।
और अगर आगे बात की जाए तो ये जैसे ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, इनकी पोटेंशियल भी अब लिमिटेड हो जाएगी, और अगर इन्होंने ये चीज़ करना बंद नहीं किया तो ये आगे अपनी ज़िंदगी में कभी भी लेवल अप नहीं कर पाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना देर कल्टीवेट करेंगे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा। वो बंदा कहता है, वो जी तुम मास्टर के बारे में बहुत बुरा भला कह चुके हो, तुम क्या पता है, ये वूज वन के टॉपर हैं और इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि कोई बुलेट भी इनसे पार नहीं हो पाएगी। और रही बात इनकी लाइफ स्पैन की, तो ये अपनी लाइफ को 100 सालों तक भी बढ़ा सकते हैं, तो फिर इनकी पोटेंशियल लिमिटेड कैसे होगी? क्या तुम गधे हो? तुम्हें क्या लगता है ऐसे आर्ग्यूमेंट के बाद कोई भी यहाँ से ज़िंदा बच के जा सकता है? वो मास्टर कहते हैं, मिस्टर वूजी आपने जो जो कहा वो सभी सत्य है, लेकिन क्या मेरी पोटेंशियल सचमुच लिमिटेड है? वूजी उनका हाथ पकड़ लेता है और वो कुछ करने लगता है। वो कहता है, आपका रियलम। उसकी थोड़ी देर बाद वो कहता है, क्या अब आप मुझ पर भरोसा करते हैं? वो मास्टर कहते हैं, मिस्टर वूजी क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अकेले में चल सकते हैं? वो लड़की कहती है, डैड यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? अंकल कहते हैं, लगता है मिस्टर लू ने मिस्टर वूजी की असली आइडेंटिटी पहचान ली है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों अकेले कमरे में होते हैं। वो मास्टर कहते हैं, मिस्टर वूजी इस तरफ इस तरफ। उसके बाद वो वूजी से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आप जैसे सुप्रीम मास्टर को नहीं पहचाना। आप एक सुप्रीम मास्टर है फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना, प्लीज़ मुझे आप इसके लिए माफ़ कर दीजिए। वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। और उसके आगे वो बताते हैं कि मैंने बहुत दूर दूर तक अपने से ज़्यादा ताकतवर और अपने से ज़्यादा अच्छा नहीं देखा है किसी को, इसीलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया, प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाइएगा, इस बूढ़े आदमी को माफ़ कर दीजिए। आपकी इस ताकतवर कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को देखने के बाद मैं कैसे ये नहीं समझ पाया कि आप सुप्रीम मास्टर हैं? मुझे बस ये नहीं पता है कि आप कौन से वाले सुप्रीम मास्टर हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि चाइनीज़ में सिर्फ 4 सुप्रीम मास्टर थे, उनमें से एक लीडर होते हैं वू फैमिली के, एक लीडर होते हैं हुआंग फू के, और जो बाकी दो बचते हैं वो दोनों लीडर होते हैं हर्मिट सेक्ट के। यहाँ तक कि जहाँ पर ये रहते हैं हुजिया जो इस जगह का नाम है, यहाँ पर और कोई भी लेजेंडरी कैरेक्टर नहीं रहा करता था, सिर्फ वू फैमिली के जो सबसे पहले एंशिएंट लीडर थे उन्हें यहाँ पर गॉड की तरह माना जाता है। चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री के मुताबिक एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कल्टीवेशन पावर वू से भी ज़्यादा थी, जो कि लगभग गॉड के बराबर आते थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता है कि वो लोग कहाँ पर है। हो सकता है वो लोग जिंदा हों लेकिन छुपे हुए हैं। वो जी उनसे कहता है, ठीक है अब जब आप जान ही चुके हैं तो मेरी आइडेंटिटी को किसी के सामने रिवील मत करिएगा। वो कहते हैं, ठीक है मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगा, मैं आपकी आइडेंटिटी को किसी के सामने रिवील नहीं करूँगा। मिस्टर वूजी अगर मेरी बॉडी के लिए कोई रेमेडी हो तो? वूजी कहता है, आपकी बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके बहुत सारे नर्व्स भी ब्लॉक हो चुके हैं। और फिर उन्हें वो बताता है, और अगर आपने ऊपर लेवल जाने की कोशिश की तो वो किसी काम की नहीं है। लेकिन वूजी उनसे ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप मुझसे मिले, मेरे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपके लिए काम कर सकती है, मुझे बस पेन और पेपर की ज़रूरत है, मैं उन्हें लिख के दे देता हूँ। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वूजी को झुक के कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मैं तो बस बाथरूम जा रही थी, आखिर ये अजीब सा बंदा मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो आगे जा ही रही होती है तभी उसे वूजी दिख जाता है और वो सीधे उसी कमरे के अंदर चल जाती है जिस कमरे के अंदर वूजी होता है। वूजी का नाम सुनते ही उस बंदे की फट जाती है। वो लड़की देखती है कि मास्टर ऐसे घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हैं। वूजी उसे कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद वो बताती है कि देखो वो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर उसके बाद वूजी अपना खतरनाक लुक दिखाता है, ये वाला। उस खतरनाक लुक को देखने के बाद वो बंदा चुपचाप वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लेता है। मास्टर कहते हैं, क्या मिस्टर वूजी आप मेरे इस छोटे से घर में खाना खाना चाहेंगे? वूजी उनसे कहता है कि मैं यहाँ सुवेन के साथ आया हूँ तो मैं खाना भी उन्हीं के साथ खाऊंगा और मैं ज़रूर खाना चाहूँगा। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।